सारा लेकिन छोटे छोटे अब हम भी यूट्यूबर्स की तरह वीडियो लगाते हैं, हमारे साथ प्रैंक हो गया। 3, 2, 1 हेलो, वेलकम टू अर्बन ग्रूव एंड ग्रीन्स। आफ्टर सो लॉन्ग आपका फेवरेट यूट्यूबर गार्डनिंग कपल इज हियर सब्जी कह रहा हूँ सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए ठंड की छत के ऊपर। और देखें कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाल लिश्की लिश्की उड़ रहे हैं। और नीचे भैंसे जो है वो क्या है क्या? जो भी है वो जो भी जानवर है वो घास खा रहे हैं। ऐसे ही होंगे उधर एलिगेटर ब्राउन वाली है ना, ब्राउन वाली उधर मगरमच्छ तो आ सका करने से। चलो खैर तो पौधे पास के। और ये सितंबर का महीना चल रहा है, आज 9/11 है और हम आज अपने सर्दियों के पौधों की पहली एक्सपेरिमेंटल बैच जो है शुरू करने लगे हैं। तो हमने सोचा कि आपको बता दें कि एक अच्छी सीडलिंग मिक्स कैसे बनती है। तो सीडलिंग मिक्स के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 क्या है जला? नॉर्मल मिट्टी। हाँ जी, एरी मिट्टी, जो भी हमारे पास घर के बाहर जो भी मिट्टी है वो वाली चाहिए होगी, जिससे आप अपने पौधों को जो गमलों में लगाते हैं वो वाली नॉर्मल मिट्टी, भल मिट्टी भी कहते हैं उसे। ये आपको नर्सरी से आराम से मिल जाती है, ये वही मिट्टी है जिससे आप अपने गमले भरते हैं। तो इसका आप एक पार्ट डाल लेंगे अपने जो कंटेनर है जिसके अंदर आप ये मिक्स बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा और लेके डाल देते हैं। तो मैं देखूं मिट्टी डाल रही है कि नहीं। हाँ देखो एक पार्ट हमने इसके अंदर नॉर्मल गार्डन सॉइल मिट्टी डाल दी, कटा थी मिट्टी। दूसरी चीज आपको चाहिए वो है ये हमारे पास कोकोपीट। दिस इज कोकोपीट। ये बेसिकली दिखाए सान ये जो की तरफ ये बड़ा दूर से नजर आ गया ना। खैर जो कोकोपीट है ना ये मैं आपको आके दिखा भी दूंगा, एंड पे शॉट डाल दूंगा ताकि जो हम एडिट कर लेंगे इसको। कोकोपीट बेसिकली नारियल के जो छिलके होते हैं जिसके बाल होते हैं उसको खुश करके ग्राइंड कर लेते हैं और उससे ये एक छोटा सा ना फाइबरस से एक चीज़ आपको ग्रोइंग मीडियम मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मॉइस्चर रिटेंटिव होता है, तो ये आपके सॉइल को लाइट कर देता है। मैं बात कर लूँगा सारा खुद बोल रहे थे, मुझे कुछ मैं नहीं बोलने देते। चले बोले मैं नहीं बोल रही, मैं बोल ही नहीं सारा कुछ खुद बोल लेते हैं। ठीक है, ये ग्रोइंग मीडियम होता है, ये पानी रिटेन करता है, इससे आपका सॉइल लाइट और फ्लफी हो जाता है। और इसके बारे में और डिटेल्स आपको मेरी वाइफ गलत मैं बता ही नहीं रही। नहीं नहीं आप बता, ये ज्यादा समझदार है, ये खुद बता दे। मैं 3 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ, इजी होगा। चले बताएं जी क्या सीन, आप क्या बताना चाह रही थी? मैं ये बताना चाह रही थी वो आप बता चुके हैं कि जब पानी देंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बार बार आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ दिन तक मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। अच्छा आप ये बताइए हमने कहाँ से मंगवाया? दराज से मंगवाया। कौन से बताया? कौन मेरा टिपूट ऑफ हो गया मेरा। ये हमने दराज से मंगवाया था, ये वाला कोकोपीट का। और दूसरा आप इसको कोकोपीट कोकोयर के नाम से सर्च कर सकते हैं और बड़े आराम से मिल जाता है। और ये कितने का मंगवाया था हमने? ये 5 kg का थैला, ये हमें आई थिंक कोई 500 का पड़ा था। सेल्स चलती रहती है लेकिन नॉर्मली इट्स लाइक 100 फॉर kg, तो इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये भी हमने थोड़ा सा डाल दिया। और आखिरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है किसी भी किस्म की खाद या कंपोस्ट। और ये देखें इसमें जो स्टोन्स वगैरह निकाल देने हैं, मिट्टी को बिल्कुल आपने प्लेन कर लेना है। तो ये मेरे पास है लीफ मोल्ड, ये मैंने मंगवा ली थी एक जगह से, डीलर था। ये किसी भी आप नर्सरी से जाएंगे आपको कंपोस्ट की कोई भी फॉर्म मिल जाती है। इसमें कंपोस्ट की मल्टीपल टाइप्स होती है, इसमें आपको लीफ कंपोस्ट मिल सकती है और या वर्मी कंपोस्ट मिल सकती है। एक और फर्टिलाइजर की टाइप होती है जिससे आप गोबरी खाद कहते हैं, काउ डंग मैन्योर होता है। वो आप कोशिश करें कि सीडलिंग मिक्स में ना डालें, क्योंकि एक तो उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है और वो रिएक्टिव होती है, उससे आपके सीडलिंग्स ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये दूसरा कंपोस्ट होता है ये आप ले लें। ये आपको नर्सरी से भी मिल जाएगा और दराज से भी मिल जाएगा। अगर आप जो है अपने मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा इन दो प्रोडक्ट्स के जो हमने मंगवाए हैं, तो उसकी मदद से अगर आप चाहें तो आप उन लिंक से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और फाइन इन चीज़ को हम आराम से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कितनी सॉफ्ट। अब इस मिट्टी में और ये इस मिट्टी में कलर भी आप देख सकते हैं डिफरेंस। और सबसे ज़्यादा फायदा आपको फर्क तब पता चलेगा जब इसको आप मॉइस्ट करके चेक करेंगे। वो उस मिट्टी को जब आप गीला करते हैं ना और उसको आप हाथ में पकड़ेंगे, उसकी एक बॉल बन जाती है। आप खुद सोचिए छोटे छोटे प्लांट्स की रूट एक मुट्ठी वाली बॉल में किस तरह स्लाइस करेंगे। ये देखें इसको मैंने इतना सख्ती से प्रेस किया कि मेरे हाथ कांप रहे, लेकिन जब मैं इसको यूं हिलाता हूं तो ये दोबारा पोरस होकर जमीन पर गिर जाती है। सॉफ्ट हो गई है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक सीडलिंग ट्रे, ये
4x2 की सीलिंग ट्रे है, इसमें 8 सीट्स लगा सकते हैं। और नॉर्मली हम एक शिफ्ट में 8 सीट लगाते हैं, उसकी फिलोसफी थी कि आप 8 लगाओ, जब वो ग्रो हो जाए हम उनको प्लांट करो दोबारा 8 लगा लो। ठीक है, तो अब हम अपनी जो सीडलिंग ट्रे है उसके अंदर ये मिट्टी हम भर लेंगे। ठीक है जी, एक ट्रे मैंने भर दी है, एक विदाला भर रही है। बाबा सबर कम पड़ जाएगा मिट्टी। कोई बात नहीं, और भर लेंगे और बना लेंगे, मिट्टी के हमारे पास जखायर ही जखायर हैं। अज्जा हमारे पास हैं तो हम और ही बना सकते हैं। और इस यही वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हो तो आप आराम से अपने घर में ही पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं, अच्छी सी फर्टिलाइजेशन वाली। और आप लोगों से गिला, आप लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब ही नहीं करते, ये तो गलत बात है। अरे ओए, सब्सक्राइब लोगों गिले देने शुरू हो गए ना, वीडियो बंद कर देनी इस पॉइंट पे। ऐ बड़े तेज है, ये गुस्सा कर देते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बस हल्का सा लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट प्लीज। चलो जी, इस एक छोटी ठीकड़ी से हमने एक ये सीडलिंग मिक्स वाले 3 ऑलमोस्ट 2 कंटेनर और 2.5 भर लिए। तब हम और बना लेंगे। अभी हम जो ये थोड़े से 2 हमने बनाए हैं, इसमें हम कुछ सीड्स प्लांट कर देते हैं। तो ये हम साइड बाय साइड रखते हैं ऐसे, और अब हम सीड्स खोलते हैं। अभी हम 8 लगाएंगे पीस, और जब वो उनके पौधे बन जाएंगे उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे और 8 फिर लगा देंगे। नहीं, हम सारे एक साथ लगाएंगे। सारे एक साथ नहीं लगाने होते, अगर सारे इकट्ठे हो भी जाए कहते हैं सक्सेशन प्लांटिंग। चले ये लें जी, दीज आर 4 फॉर यू। जब भी सीड्स बेचते हैं तो वो फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं ताकि जब आप लगाएं तो उसको फंगस ना लग जाए। ये फार्मर्स भी यूज करते हैं तकरीका, और ये नॉर्मल बंदे यूज करते हैं। चले जी आ जाए सीड्स के लिए, 1 इंच के करीब अपने फिंगर का जो एक डिविट होता है उसके जितना एक सुराख कर लें। मम्मा आप भी कर लें, 2 मिनट में आपको ऐसे दिखाऊंगी। ये देखें, ये ऐसे कर रहे हैं सुराख, इसमें उंगली से सुराख करने आते हैं उन्हें, उनको अभी नहीं आते, वो बिगिनर्स हैं। सुराख भी नहीं करने आता आपको, फिट है मुंह। चलें चलें, अब आप सुराख करें, आपको सुराख करने आते हैं। मुझे तो आ गए हैं बाबा। 1 2 3 बाबा टूटी भी रहा है यार। 4 चले, अब हम अपना अपना सीड इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा नीचे की तरफ डालो। जी जी नीचे की तरफ डाल दें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इन पौधों को अपना गर्म कर, इनको उगने, अगर आपकी रजा है तो इनको उगने में मदद दें। इसको हमारे लिए हलाल खाने का जरिया बनाइएगा। आमीन आमीन। ये दुआ हम हमेशा अपने जब भी पौधे लगाते हैं तो मांगते हैं कि अल्लाह हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। मामा को फातिहा फूतिहा पढ़ाने ये हम फातिहा नहीं, ये फातिहा वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अभी कब पे वाले ये ब्लूपर को दर्स दूध कराना को पढ़िए ला सर। बुरी बात सर, को फिर पता इमोशनल टच होता नहीं। तो ये हमारे पीस लग चुके हैं, अभी मैं इसमें टैग्स भी बना के लगा दूंगी। हमें यकीन नहीं था हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसलिए हम टैग्स नहीं लगाए। और याद रखना कि टूटी हुई ट्रे इज फॉर पीस। मेरा समझ लगा मेरा हैंड हो गया, मैंने यूं खोला तो कुछ भी नहीं था। ये तो खाली है अंदर से, हमें लगा खाली है लेकिन छोटे छोटे। अब हम भी यूट्यूबर्स की तरह वीडियो लगाते हैं, हमारे साथ प्रैंक हो गया। ये ले, अच्छा तो बहुत ही मुन्ने मुन्ने से साथी हालापिनियो है ना मामा, ये चिली। चले भाई, ये तो मेरा ख्याल है हम 8 ही लगा पाएंगे, जितने बीज हैं ये बहुत ही थोड़े दिए इस बंदे ने। हेलपिनियो है ना, हेलपिनियो महंगी होती है। 4 मतलब गिन के मुन्ने मुन्ने से 4 हैं जो कि शायद नजर भी नहीं आ रही। ये भी डेप्थ में लगेंगे क्या? मैं जाकर इनको दिखा, 4 जो सीड ना छोटे छोटे से पीस के सीड तो सबने देखे होते हैं, हेलपिनियो के शायद किसी को ना बताओ। नहीं, ये 5 जी थोड़ा सा कम डेप्थ में लगेंगे हैं, ऐसे काफ़ी हमने 8 लगाए हैं अभी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 बैठी हूँ ना एंड पे, वो हम इसको जूम करके ना उसमें डाल देंगे। क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ सीड दिखाओ,
वही क्या है ना कि एंड पे डाल दूंगी बार बार मैंने। चलो ठीक है, हाँ एंड पे फिर हम वीडियो एडिट करके। हाँ अभी पड़ा है ना हमारे पास। चले 3, 2, 1 बैक। ओके ठीक है। ये बीज जो है बहुत छोटा होता है, आपको नजर नहीं आ सकता। मैं आप मिर्च की, जिस तरह के आपने मिर्च के बीज देखे होंगे, हेलोपिनियो टाइप ऑफ फैंसी मिर्च, जो हम इंशाल्लाह अगर हमारा पौधा लग गया अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रजा से, तो हम उसको यूज़ करेंगे पिकलिंग के लिए। आपने अक्सर देखा होगा जिंगर के ऊपर या दूसरी बर्गर्स के ऊपर बड़े मजे का एक हैलेपिनियो पड़ा था ग्रिल्ड खटा खटा सा, तो वो हम इंशाल्लाह घर में बनाएंगे। में भी यूज हो जाता है बहुत मजे का, तो वो हम घर में बनाएंगे। इसको कितनी डेप्थ चाहिए? बस नॉर्मल एक नॉर्मल हल्की सी छोटी सी, क्योंकि ये बीज छोटा है ना तो उसको ज्यादा डेप्थ नहीं देते। और फिर इस वीडियो खत्म होने के बाद ही जितना भी मैस होता है ये हम समेट लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस विंटर सीजन में क्या लगा रहे हैं। अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है या किसी इन्फॉर्मेशन की चाहिए तो जरूर मेंशन करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको मजा आया हुआ। थैंक यू, और दुआ भी कर दीजिएगा हमारे सीट्स से रहें। आपसे हर वीडियो में हम दुआ कराएंगे, पहले 2 बंदे दुआ करते थे, अब 10,000 लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेटा बाय 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 बाय। 3, 2, 1 अल्हम्दुलिल्लाह।